हेलो एंड वेलकम टू द सीक्रेट एसएमपी। तो ये कहानी है मेरी मेरी मतलब कुणाल के 30 की और मेरे ऊपर हुए अत्याचारों। तो ये है हम तीन दोस्त, मैं, बेताज बादशाह और शैडो स्टीलर। लेकिन शैडो हमको धोखा देके दूसरी जगह घर बनाने के लिए चला गया। फिर मैंने और बेताज ने शैडो को सबक सिखाने के लिए उसको मारने की कोशिश की, बट हमको शैडो कहीं नहीं मिल रहा था। और शैडो की लोकेशन एक बंदे को पता थी जिसका नाम है कोकन गेमिंग YT। तो उसको मैंने 11 डायमंड के बदले शैडो की लोकेशन उसको पूछी और डील यही थी मैं उसको 11 डायमंड दूंगा और वो हमको शैडो की लोकेशन तक पहुंचा देगा। फिर क्या, कोकन शैडो की लोकेशन तक हमको लेके जाने वाला था, बट कुछ ऐसा हुआ तो हम एक माइन में जा रहे थे शैडो को ढूंढने के लिए और उस माइन में बहुत अंधेरा था और मैं कोने में खड़ा था कोकन, और मैंने गलती से उसको नीचे धक्का दे दिया और मेरी हंसी छूट गई। तो कोकन को लगा कि ये मैंने जानबूझ के किया और कोकन ने ठान लिया कि वो मेरे को मार के रहेगा। और मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कोकन को, बट वो नहीं माना। सो रात में कुछ कर रहा था मैं और कोकन पीछे से आके मेरे पे हमला करने लगा और मैंने खुद को कोशिश करने की बचाने की, लेकिन मैं मर गया। लेकिन मेरे मन में भी कुछ थोड़ा सा बदला था, वो बदला शैडो के लिए था क्योंकि उसने हमको बिट्रे किया था और शैडो खुद ही चल के हमारे सामने आ गया। तो हम उसको मारने के लिए चले गए, तो उसका हम पीछा कर रहे थे मैं और बेताज, और पीछा करते करते वो हमारे टाउन हॉल तक चला गया, लाइक मेन जो बिल्डिंग होती है उधर चला गया। तो उधर सर्वर लैग की वजह से वो शैडो मर गया। तो उसके बाद पूरा सर्वर एक टीम में और हम, मैं और बेताज एक टीम में, तो पूरे सर्वर वाले प्लान कर रहे थे कि वो मेरे को जाके मारे, मेरे को और बेताज को मार डाले। पूरा सर्वर हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गया कि इन दोनों को हम मार डालेंगे और इनको बेदखल कर देंगे इस विलेज से। फिर हमने कोशिश की उनको समझाने की, हमने हमारी गलती हो गई, गलती से मैंने उसको धक्का दिया, फिर भी कोई नहीं माना। उसके बाद शैडो अपना सामान लेके वापस आ गया और शैडो ने बेताज पे हमला किया, लेकिन बेताज हमारा अल्फा प्लेयर है तो बेताज ने शैडो को एक रट्टे में मार डाला। उसके बाद पूरा का पूरा सर्वर हमारे अगेंस्ट हो गया, यहाँ तक कि नॉनसेंस जो गरीब गाय था, जो गरीब गाय लगता था, वो भी हमारे अगेंस्ट हो गया और उसने हमको बिट्रे करते हुए हमको मार डाला। बट एक ही रास्ता था खुद की इज्जत बचाने के लिए, सुसाइड। तो कोकन सामने से आ रहा था कि भागते भागते मेरे को मारने के लिए, और मेरे को एक ही रास्ता दिखा कि सुसाइड कर लूँ ताकि मेरी इज्जत बचे। तो मैंने इधर से कूद के जान दे दी। फिर मैं मेरे घर में स्पॉन हुआ और उसके बाद ये सब मेरे को मिलके स्पॉन कैंपिंग कर रहे थे, लाइक ये सब मेरे को मिलके मार रहे थे। मेरे पास कुछ सामान नहीं था फिर भी ये मेरे को मार रहे थे। एक बार मारा, दूसरी बार भी उन्होंने मेरे को मारा, वैसे करते करते उन्होंने बहुत बार मारा कि स्पॉन कैंप ही कर रहे थे, लाइक मेरे को घर से बाहर ही निकलने नहीं दे रहे थे। जैसे मैं घर के बाहर निकल रहा था ये मेरे को मार रहे थे। ये बहुत ही बुरे लोग मेरे को मार रहे थे। जैसे कि मैं घर के बाहर निकलते ही मार रहे थे, घर के जैसे दरवाजा खोल रहा था ये मेरे को मार रहे थे, मेरे को घर के बाहर रुकने ही देते। ये पूरा आर्मर के साथ मैं निहत था, लेकिन उस टाइम मैंने बोला कि हार मानते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन इस फाइट का कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा था तो हमने डिसाइड किया कि ब्रिज के उस तरफ वाला इलाका तुम्हारा और इस तरफ वाला मेरा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कोकन ने कुणाल K30 को तो मारा, स्पॉन कैम करके मारा, लेकिन उन्होंने एक सर्वर का सबसे कांडी पर्सन पैदा कर दिया था उस टाइम के लिए।